नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो RS बाली ने किया ऐलान, पर्यटन निगम के कर्मचारियों को एरियर के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों को जल्द बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी होगा। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 3% बढ़ा हुआ DA देने की घोषणा की थी। इसी के तहत अब पर्यटन निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ DA मिलेगा। इसके साथ ही 3 माह का एरियर भी जारी किया जाएगा। पिछले कल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3% बढ़ा हुआ DA देने की घोषणा की थी। इसे जल्द एरियर सहित कर्मचारियों को जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके भुगतान पर प्रति माह निगम पर 12 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। वहीं RS बाली के साथ पर्यटन निगम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की हुई बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को उठाया। इसमें मुख्य रूप से महासंघ से लंबित DA जारी करने, पूर्व के समय से शेष लंबित पड़े DA IR, नया वेतनमान का शेयर एरियर की राशि जो CPF शेयर 12% की दर से करीब राशि को EPFO में जमा करने की मांग उठाई। कर्मचारी संघ ने यह भी मांग की कि निगम में जो पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय भत्ते जो कि निगम अतिरिक्त ब्याज सहित देना पड़ा है और निगम में कार्यरत कर्मचारियों के एरियर की राशि का भुगतान करने के लिए निगम को एक मुश्त करीब 50 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार से जारी करने की मांग उठाई। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की भी मांग की। निगम में वर्तमान करीब 500 आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में अन्य मांगों व समस्याओं को उठाया गया। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि पर्यटन निगम के कर्मचारियों को एरियर के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो RS बाली ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।